भारत में तेजी से बढ़ रहे बलात्कार की घटनाओं के बीच जहां तेलंगाना पुलिस द्वारा हैदराबाद की बेटी को मुठभेड़ में चारों आरोपियों को मार गिराने के बाद से शुक्रवार को जनता ने थोड़ी ठंडी सांस ली, वहीं शनिवार को उन्नाव में रेप पीड़िता के मृत्यु की खबर सुनकर लोगों में आरोपियों के खिलाफ एक बार फिर से रोष उत्पन्न हो गया। हैदराबाद की एक महिला चिकित्सक के साथ 27 नवंबर को बलात्कार करके निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिससे लोगों में गुस्सा व्याप्त था। शुक्रवार की सुबह हैदराबाद के पुलिस अधिकारी विशी सज्जनार द्वारा चारों आरोपियों को एक मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस के इस कारनामे से हर तरफ चर्चा हो रही है। आज अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी इलाहाबाद में महानगर अध्यक्ष अरशद अली की अगुवाई में शनिवार को मस्तान मार्केट करेली में कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस निकाला, जिसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से मांग करते हुए अरशद अली ने कहा कि जिस तरह से तेलंगाना पुलिस ने साहस और बहादुरी का सबूत देते हुए हैदराबाद की महिला को इंसाफ दिलाया है, उसी तरह प्रदेश की पुलिस भी उन्नाव की बेटी को इस इंसाफ दिलाने में अपना साहस दिखाए। पिछले वर्ष उन्नाव की बेटी के साथ दो आरोपियों ने बलात्कार किया था, जिसमें से एक आरोपी को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया था। तब से पीड़ित महिला के परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही थी। आरोपी पिछले दिनों जेल से जमानत पर रिहा हुआ था, जिसने गुरुवार को महिला को जिंदा जला दिया था। 90% से अधिक जली महिला के उपचार के दौरान शुक्रवार देर रात को मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि यदि हमारे देश के लचीले कानून की वजह से ऐसे जघन अपराधियों को जमानत मिल जाती है, देश भर की पुलिस को तेलंगाना पुलिस से सीख लेते हुए ठोस कदम उठाना होगा। इस अवसर पर महानगर उपाध्यक्ष शाविर फरीदी, उपाध्यक्ष अनु बेगम, महासचिव नाज खान, परवीज आलम, डॉक्टर जैदुल्ला, मीडिया प्रभारी मोहम्मद तारिक कादरी, प्रदेश सरिता देवी, जैसैली कदीर, नई सक्कर भैया श्याम, परवीन, जरीना बेगम, हुआ खान, अब्दुल रहीम, हमीद खलील खान समेत भारी मात्रा में स्थानीय लोग उपस्थित थे। आज अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी इलाहाबाद ने करेली स्थित जहां पर एक जुलूस और प्रदर्शन किया। सबसे पहले बधाई के पात्र हैं हमारी तेलंगाना पुलिस, जिन्होंने हमारी बहन के रेपिस्ट को भागने का मौका नहीं दिया और इनकाउंटर करके मार गिराया। दूसरी तरफ एक तरफ खुशी का भी माहौल है, एक तरफ गम का भी माहौल है। गम का माहौल इस तरह है कि जो हमारी उन्नाव की बेटी थी, आज उसकी भी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। हम लोग की मांग ये है, जिस तरीके से तेलंगाना पुलिस एक्शन में आके और सरकार के दबाव में ना आके उन्होंने तुरंत कार्रवाई की, उसी तर्ज पर योगी सरकार को भी ऐसे रेपिस्टों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम किया जाए। इन रेपिस्टों के खिलाफ फर्स्ट एक्ट कोर्ट में मुकदमा चलाकर जल्द कार्रवाई करवाकर इनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, क्योंकि ऐसी सख्त सजा जब होगी तब इनका मनोबल टूटेगा, तभी हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माँ महफूज रहेंगी। अरशद अली, महानगर अध्यक्ष, अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी इलाहाबाद।